फ्रेंड्स, उर्फी जावेद का एक फोटो, एक इमेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। भाई क्यों वायरल हो रहा है, आपने इमेज देख ली होगी। यहाँ पे इस इमेज में उर्फी जावेद जो है टकली हो चुकी है, लिटरली उन्होंने जो है मुंडन करा लिया। इस वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर एक्स में आपने ज़रूर देखा होगा कि भाई उर्फी जावेद एक न्यू लुक के साथ आई है। पर फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये चीज़ सच नहीं है। उर्फी जावेद का जो आप ये लुक देख रहे हो जहाँ पे वो टकली हो चुकी है, ये सच नहीं है, ये फेक है। बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो जो कि बॉलीवुड के न्यूज़ शेयर करते हैं और जिनका बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने भी इसको शेयर किया है कि भाई उर्फी जावेद लिटरली यहाँ पे जो है टकली हो चुके। पर ऐसा नहीं है। आप इस इमेज को बहुत अच्छे से, बहुत गौर से अगर देखोगे तो जो साइड में आप देखोगे वहाँ पर आपको बाल 101% ज़रूर शो हो रहे होंगे, क्योंकि ये आई थिंक इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है जहाँ पे आप जब रील बनाते हो तो आपको टकला दिखाता है या दिखाई देता है। तो सेम वही चीज़ है, उर्फी जावेद कोई टकली या फिर कोई गंजी नहीं हुई। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करना। तो बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे करीना कपूर खान, जिनको कि लीगल नोटिस भेज दिया गया, आप इमेज देखोगे यहाँ पे, कुछ महीने पहले आप कह सकते हो कि भाई करीना कपूर खान की एक बुक आई थी, जबकि वो जब वो जो है प्रेग्नेंट थी, तो उनके बुक का नाम था यहाँ पे करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। तो उनको जो लीगल नोटिस भेजा गया है, वो इस वर्ड जो उन्होंने यूज किया अपनी बुक में, बाइबल, प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर खान, तो उस वर्ड के लिए उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। तो आगे क्या होता है, कहाँ तक वो ट्रेवल करती हैं, जैसे न्यूज़ मिलता हम ज़रूर शेयर करते। फिलहाल आपकी क्या राय है इस न्यूज़ पे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि है खतरों के खिलाड़ी 14 आने वाला है। मोस्ट अवेटेड आप कह सकते हो कि भाई इसके लिए हर कोई वेट कर रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे नाम इसमें आ रहे हैं जो कि आपको बिग बॉस 17 में दिखे थे, जैसे कि ध्रुव जुरेल या फिर अभिषेक कुमार, और यहाँ तक कि यहाँ नाम आ रहा है जो कि आप कह सकते हो टाइगर श्रॉफ की जो सिस्टर है यहाँ पे, उनका नाम आ रहा है, आसिम रियाज, बहुत बड़े बड़े ऐसे इसमें जो इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि मनीषा रानी का भी नाम आ रहा है, कि ये जो एपिसोड जब भी आएगा, जब रिलीज होगा, अगर ये लोग इसमें होते हैं, फाइनली कंफर्म हो चुका है, तो ये बहुत अच्छा जो है इसको टीआरपी मिलने वाली है। तो आपको मैं लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको आराम से पोच करके देख सकते हो कि 14 कंटेस्टेंट की यहाँ पे लिस्ट है, जहाँ की आप देखोगे मनीषा रानी और जो शिल्पा शिंदे, इनको लाइकली हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि ये हैं। इससे पहले के एल्विस यादव का भी नाम आ रहा था, अभिषेक मलान के भी आ रहा था कि वो भी खतरों के खिलाड़ी 14 में हो सकते, पर ऐसा नहीं है। लिस्ट आप देख सकते हो, ये जो सेलिब्रिटी है या फिर इन्फ्लुएंसर है आपको देखने को मिल सकते हैं खतरों के खिलाड़ी 14 में। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि है आईपीएल से रिलेटेड। फाइनली फ्रेंड्स, कल दिल्ली वर्सेज आरसीबी का मैच था, जहां पे एक क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, आप देख रहे होंगे यहां पे, जहां पे विराट कोहली और ईशान शर्मा, जो कि दोनों ही दिल्ली के बॉय हैं, दोनों के बीच एक बहुत प्यारी सी नोकझोंक होती है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आपने देखी कि नहीं देखी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। लिटरली ईशान शर्मा की दो गेंदों पे विराट कोहली ने चौका छक्का जड़ दिया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा वो जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, और अगली ही बॉल पे ईशान शर्मा उनको जो है यहाँ पे आउट कर देते हैं। तो उसके बाद जो वो कोहनी मारते हैं विराट कोहली को, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं फैन, और वो भी अच्छे वे में। तो आपका क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट भी यहाँ पे आईपीएल से रिलेटेड है। भाई आईपीएल में आरसीबी का जो फैन बेस है बहुत तगड़ा है, और अभी आईसीसी जो आरसीबी है उनके जो टीम है कंटिन्यू 5 मैच जीत चुके हैं, और अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके फ्रेंड्स ज़रूर बताना। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। तो मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।